पे कौन है तोंडे भाई हमारे। अरे तोंडे भाई ये क्या एक्शन कर रहे हो तुम, एक और बार करो। ये फ्री फायर वापस आने का एक्शन है। अरे उत्सव की तैयारी करो गाइस, फाइनली आपके खुशी के दिन आ गए। अभी आप लोग खुश हो जाओ क्योंकि फ्री फायर इंडिया का रिलीज डेट अभी आप लोग को पता चलने वाला है। फ्री फायर इंडिया का यहाँ पर अभी रीशूट चला है, ठीक है। कुछ वीवाइज वाले यूट्यूबर फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर्स गए हैं अभी रीशूट करने के लिए, ठीक है। तो वो लोग ने अपने स्टोरी पर काफ़ी कुछ पोस्ट करके वो लोग ने हिंट दिया हम लोगों को कि भाई फ्री फायर इंडिया का यहाँ पर जो रीशूट होगा वो कब तक यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, एंड हम लोग को फ्री फायर इंडिया अपने इंडियन सर्वर पर कब देखने को मिलेगा, आप लोग कब खेल पाओगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेना, आप लोग को सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलो सबसे पहले बताता हूँ कि भाई यहाँ पर पूरा सीन क्या है। तो देखो यहाँ पर तो दो चार यूट्यूबर है, मतलब यहाँ पर देखो नैन असासंस आर्मी है, ठीक है। उसके बाद हमारे टोंडे गेमर है, एंड हमारा एक्स मेनिया है। उसके बाद वो ब्लैक फ्लैग आर्मी, आप लोगों को पता है आवारा आवारी दोनों है, ठीक है। एंड ये सारे यूट्यूबर जो है ना, ये लोग अभी कार में जा रहे थे, ठीक है। तो कार में जाते हुए वो लोग ने एक स्टोरी पोस्ट की, जहाँ पर मतलब कल ही पोस्ट किया था, ठीक है। एंड रात को मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पर वो बता रहे थे कि भाई ये लोग जो है, ये लोग फ्री फायर इंडिया को रिलीज़ कराने जा रहे हैं। मतलब यार पूरा मेरे को लग गया कि अब तो यहाँ पर रिलीज होने ही वाला है, ठीक है। एंड ऐसे ही वीडियोस आप लोग डेली देखते हो कि भाई अब मतलब रिलीज होने वाला, अब रिलीज होने वाला है। डेली डेली कुछ यूट्यूबर्स तो डालते हैं कि भाई अब रिलीज होगा, लेकिन आप लोगों को कभी कंफर्म डेट पता चलता ही नहीं है, ठीक है। आप लोग अपडेट तो पता चल जाता है कुछ, लेकिन आप लोग को रिलीज डेट पता नहीं चलती। तो देखो मैं आप लोग को पूरा मंजरा समझाता हूँ कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये लोग जब जा रहे थे ना, तो वो लोग ने ऐसा शूट किया, एंड वो लोग ने ऐसा बताया कि भाई हम लोग फ्री फायर इंडिया को रिलीज करेंगे। एंड पिछली बार भी आप लोग को याद है कि ऐसा ही हुआ था कि कमिंग सून करके वहाँ पर वो लोग शूट वगैरह कर रहे थे। लास्ट में जाके हम लोग को पता चला भाई ये तो कुछ इवेंट का शूट चल रहा है यार, वो भी 43 का, जो हम लोग का इवेंट्स आने वाले हैं ना, मतलब जो चेंजेस होंगे उसके ऊपर वो असासंस आर्मी ने, और वो बच्चा क्या नाम है उसका, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, नाम बता, आदि टैग, ये सब वो लोग वीडियो बना रहे थे, ठीक है। एंड हम लोग को ये चीज़ पता ही नहीं चली। एंड उसमें टू साइड भी गेमर भी थे जिनका चैनल शायद अभी हैक हो गया, आप लोग जाके चेक कर लेना, माइक्रो स्ट्रेटजी करके आता। बहुत सारे अभी यूट्यूब चैनल हैक हो रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे कि देखो अभी यहाँ पर ये अंकित बयानपुरिया आप लोग जानते हो, राम राम सारिया ने, उनका भी चैनल अभी आप लोग जाके देखोगे तो आपको माइक्रो स्ट्रेटजी, सारा चैनल का नाम माइक्रो स्ट्रेटजी हो गया। एंड इसके ऊपर ना अभी मतलब यूट्यूब का मतलब बहुत एक बड़ा ग्लिच हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर चैनल हैक हो रहे हैं, वो मैं आप लोग को बाद में कभी एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर अगर आप लोग चाहोगे तो अभी चलो एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बेसिकली होता ही है, कुछ यूट्यूबर्स को लिंक आते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं वो लोग यूट्यूबर्स, एंड क्या होता है कि वो लोग जो एक्सेस होता है ना चैनल का, वो किसी और जो हैकर होता है ना, वो अपने जीमेल पे ले लेता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो रहा है। ये चीज़ मैंने आप लोग को इसलिए बताई क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो उनका चैनल हैक ना हो जाए, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। एंड आप लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन भी लगा के रखना जिसकी वजह से आपका चैनल हैक होने से बच जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आप लोग को बता दिया ये वाला, ठीक है। अभी चलो बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि भाई यहाँ पर क्या सीन हो रहा था। देखो पिछली बार भी ये लोग ने ऐसा किया था कि कमिंग सून, वो लोग डायरेक्टली बता भी सकते थे कि हाँ यार वो भी 43 का, या फिर कुछ हिंट ऐसे दे देते जिससे पता चल जाता कि भाई हाँ ट्रेलर वगैरह शूट नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन वो लोग ने पिछली बार बताया नहीं था कि उस इवेंट का शूट वगैरह चल रहा था, ठीक है, वो भी 43 का शूट चल रहा था। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि गाड़ी में जा रहे हैं, एंड वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं कि फ्री फायर इंडिया को वापस लेके आएंगे। एंड बच्चे लोगों को क्या होता है कि उम्मीद रहती कि भाई हाँ इतने बड़े यूट्यूबर जा रहे हैं, इतना बड़ा बात बोल रहे हैं, तो भाई यहाँ कुछ तो बात होगा, ठीक है। एंड कुछ यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो ही बना दिया बिना पूरा की चीज जाने हुए, ठीक है। तो मैं आप लोग को पूरी स्टोरी दिखाता हूँ कि भाई पूरा यहाँ पर माजरा क्या है। देखो सबसे पहले तो आप लोग को स्टोरीज देखने को मिलेंगे, ठीक है, तीन स्टोरीज है। पहले तो यूट्यूबर्स लोग का है, फिर अकेले इनका है, फिर एक और सेल्फी देखने को मिलेगी, उसके बाद आता है मेन यहाँ पर जो चीज है। तो भाई हम जा रहे दोस्तों शादी में, एडमिन एडमिन के शादी में, हाय वापस लेने जा रहे हैं। हेलो माने भाई क्या बोल रहे हैं, देखो तो मैं तो आपके साथ फ्री फायर वापस, अरे यार ये सब, हां फ्री फायर वापस लेने जा रहे हैं, नहीं फ्री फायर वापस लाने जा रहे हैं गाइस, फ्री फायर अनबैन करवा के रहेंगे शादी में, वरना तमाशा होगा, गन वन लेके जा रहे हैं हम लोग, शादी होने नहीं देंगे, हां शादी होने नहीं देंगे, कैंसिल हो जाएगा गाइस। फ्री फायर के एडमिन के शादी में जा रहे हैं, जब तक फ्री फायर इंडिया नहीं लाएंगे वापस तब तक उनकी शादी होने नहीं देंगे, फेरे होने नहीं देंगे, देखते काजल की। अभी देखो कुछ लोग तो समझ गए होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं समझे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये लोग सरकैज़म कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरीके से फ्री फायर इंडिया का वेट कर रहे हो ना, तो इनके दिल में जरा सा भी रेस्पेक्ट नहीं है कि भाई ऑडियंस अगर वेट कर रही है, भाई कोई भी अपना गेम से प्यार करता है, ठीक है, ये लोग नहीं करते, ये लोग को बस यूट्यूब पर वीडियो बनाना पैसा कमाना है, ठीक है। लेकिन यार जिन बंदों को इमोशन है, ठीक है, वो लोग फ्री फायर इंडिया का वेट कर रहे हैं, वो लोग पूछेंगे क्रिएटर से कि भाई तुम फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में हो, तुमको वी बैज है, तुम जाके डायरेक्टली एडमिन से बात कर सकते हो, तो पता करो, ठीक है, और कोई गेम होता तो ये लोग यूट्यूब
लोग को इतना हेट मिलता है कि मतलब उसका ठिकाना नहीं है। लेकिन क्या है कि हम लोग तो यार क्या बोल सकते हैं, हमारी ऑडियंस ही ऐसे कि यार अंधा सपोर्ट करेंगे भाई। इसलिए तो गाइज आप लोग का मजाक उड़ गया, देख सकते हो पिछली बार इंट्रो में मैंने आप लोग को दिखाया था, बोले थे ये फ्री फायर इंडिया का वापस आने का ही है, फिर अभी बोल रहे कि भाई हम लोग शादी में जाके हंगामा करेंगे कि फ्री फायर इंडिया आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये लोग मजाक बना रहे हैं, ये लोग शादी में जाएंगे एंजॉय करेंगे। शुरू में तो सब्सक्राइब करो बोल के सपोर्ट ले लिया, आगे बढ़ने के बाद तो ये लोग आप लोग का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। अभी मैं आप लोग को एक्चुअल चीज़ बताता हूँ कि भाई फ्री फायर इंडिया आखिर कब आएगा, इसका पूरा माजरा क्या है। तो देखो 31st को यहाँ पर ट्रेलर आया था, ठीक है, जिसमें MS धोनी, सुनील छेत्री, बड़े बड़े क्रिएटर्स थे उसमें। लेकिन उसके बाद वो लोग ने क्या बोला था कि 5th September को आएगा, लेकिन 5th September को रिलीज नहीं हुआ, ठीक है। 5th September से पहले आपको बताया कि गेम के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस, एज रिस्ट्रिक्शन लगा था, ठीक है, कि भाई 18 साल से कम वाले 3 घंटे खेल सकते हैं, 18 साल से ज़्यादा वाले 6 घंटे खेल सकते हैं। रेड डैमेज को हटाया था, ठीक है, येलो कर दिया गया था क्योंकि ब्लड को दिखाना वायलेंस प्रमोट करना होता है। और भी बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट के रूल है जो कि अगर गेम फॉलो करेगा तभी वो इंडिया में खेल रह पाएगा, ठीक है। तो वो लोग ने कुछ रूल्स को फॉलो किया था, कुछ रूल को वायलेट किया था, एंड 5 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने बता दिया कि भाई अभी रिलीज़ करोगे तो हम लोग दोबारा बैन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से फॉलो किया नहीं है। तो इसलिए वो लोग ने बोला कि भाई देखो ज़्यादा गेम के अंदर ये आ गया वो आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में गवर्नमेंट के साथ इनका लफड़ा हुआ है। अभी देखो लफड़ा का मेन मैं आप लोग को रीज़न बताता हूँ। देखो आप लोग जाते हो गेम के अंदर इवेंट्स में स्पिन मारते हो, ठीक है, वो होता है गेम ऑफ लक। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडियन का जो कानून है उसके हिसाब से गेम ऑफ लक जो होता है, वो गेम ऑफ जो चांस बोलते हैं, वो इलीगल है, ठीक है, लेकिन गेम ऑफ स्किल लीगल है। जैसे कि आप लोग जाते हो गेम के अंदर डायमंड वेस्ट करते हो, डायमंड एक तरीके से आप लोग रियल करेंसी से रुपये से बाई करते हो ना, तो उसको आप लोग ना लक के हिसाब से कि भाई चलो लक है कितना, 10,000 डायमंड मिलेगा, 5,000 डायमंड मिलेगा, ऐसे नहीं। अगर आप लोग का उसमें दिमाग लग रहा है कि भाई आप लोग अपने दिमाग को लगा पा रहे हो उसके बाद से कुछ आप लोग को मिल रहा है, वो लीगल है। लेकिन अगर आप लोग पूरा जुआ खेल लो गेम के अंदर तो वो इलीगल है। तो ये है मेन चीज़, ठीक है, जिसके वजह से फ्री फायर इंडिया जो है ना वो अभी तक अनबैन नहीं हुआ है, एंड यही मेरे को प्रोबेबिलिटी मेन रीज़न लगता है। जब तक इवेंट का सिस्टम ये लोग सही नहीं करेंगे, या तो डायरेक्टली परचेज सिस्टम में रख दो, ठीक है, स्टोर पे कि जाके बंदा परचेज कर ले, ठीक है, लेकिन ऐसा ये लोग करेंगे नहीं, ये लोग यार वो करेंगे लक वाला गेम खेलेंगे। इसलिए फ्री फायर इंडिया जो है वो अभी तक अनबैन नहीं हुआ, एंड मेरे को लगता है जहाँ तक अभी मतलब बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है, 1-2 महीने तक लग सकते हैं। तब तक आप लोग बस वेट करो, एंड यार यूट्यूबर्स का वीडियो मत देखा करो, इसमें बस आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं फ्री फायर बैन के ऊपर वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। मेरे को पता ही नहीं जब डेट तो मैं क्यों बनाऊँ बार बार वीडियो, लेकिन आप लोग क्या है कि आप लोग वही देखना चाहते हो, इसलिए यूट्यूबर्स बना रहा है, जो आप देखना चाहोगे तो वही बनाएगा ना। फ्री फायर इंडिया का रिलीज डेट आपको कहाँ पता चलेगा, पता है फ्री फायर के इंडिया ऑफिशियल का जो चैनल है ना वहीं पर जाके वो लोग पोस्ट कर देंगे कि इतने को ट्रेलर आएगा या फिर जो भी चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग यार यूट्यूबर्स का वीडियो देखने से मतलब वहीं जाके देख लो ना इंस्टाग्राम हैंडल पे, मतलब इतना ज़्यादा छोटा मोटा अपडेट ये सब कुछ अपडेट होता भी नहीं है, ठीक है, बस आप लोग को घुमाने का तरीका होता है, व्यूज़ लपेटने का तरीका होता है। मैंने आप लोग को सब कुछ क्लियर